रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड. अब एसिड पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की. अच्छा मैं आपको बता देता हूँ क्या हो चुका है, ठीक है, क्या हो चुका है, क्या हम करने वाले हैं, जरा एक बार मैं आपको बता दूं. चलो तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट था अपने पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद O2 ऑक्सीजन, कंप्लीट हो चुका है. दूसरा रिएक्शन ऑफ मेटल विद H2O वाटर, कंप्लीट हो चुका है. थर्ड, ये दोनों ही भाई कंप्लीट हो चुके हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद O2, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, जितनी भी रिएक्टिविटी सीरीज थी उस सब मेटल कैसे ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, किस स्पीड में करते हैं, कि कौन सी गैस वो रिलीज करते हैं, वो सब हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था. तीसरा आज हम पढ़ने वाले रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड. तो भाई ध्यान से नोट्स को बनाते जाएं, ठीक है, ध्यान से नोट्स को बनाते जाएं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स. पहली बात हम कर रहे हैं कि अपने पास सबको पता है मेटल प्लस एसिड क्या बनता है. क्या हम फर्स्ट चैप्टर में इस तरह की सारी रिएक्शंस, जनरल रिएक्शन पढ़ चुके हैं? नोट्स बेटा आज मैं सेंड कर दूंगा. अब वैसे भी जो बोर्ड पे लिखवाया जाता है ना आपको, वो कंप्लीट है, क्योंकि इस पे थ्योरेटिकल कुछ है ही नहीं, रिएक्शन रिएक्शन से थ्योरी कुछ है नहीं. तो वैसे भी मैं देखता हूँ, नोट्स में भेज दूंगा. क्या सबको पता है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड क्या बनता है, कौन सी गैस रिलीज होती है? बस मुझे ये बता दो आप, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड गैस कौन सी रिलीज हो रही है? H2 गैस, ठीक है. अपने को क्या चाहिए कि एक एक्टिव मेटल होना चाहिए, एक्टिव मेटल, और एक्टिव मेटल है प्लस अपने पास एसिड है. एक्टिव मेटल प्लस एसिड है अपने पास, एक्टिव मेटल प्लस एसिड है, तो उससे सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है. सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है. कैसी है, कैसी है एक्टिव मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ये एक्टिव होने का मतलब क्या है कि दिस मैटर इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ना. क्या मैं एसिड को एच पॉजिटिव लिख सकता हूं? क्या मैं एसिड को एच पॉजिटिव लिख सकता हूं? मेन मुद्दा यहां पर बता देता हूं है क्या. जो एक्टिव मेटल है सपोज M, M जो एक एक्टिव मेटल है, M एक एक्टिव मेटल है, वो किसके साथ रिएक्शन कर रही है? एसिड के H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर रही है, सही है. मेटल M एसिड के H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर रही है. इसको आप समझ जाओ तो आपको नॉन मेटल की रिएक्शन भी खुद ब खुद इसके साथ समझ में आ जाएगी. मेटल एम जो कि एक्टिव मेटल है वो एच पॉजिटिव मींस एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है. हमको बनाना है H2 गैस. सॉल्ट तो बनेगा बनेगा, नो डाउट, अपने को H2 गैस बनानी है, ठीक. क्या इस H पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की कमी है? इस H पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अब इस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए. कौन इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये बताओ? इस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन? मेटल देगा, मेटल ही तो है यहां पे. इसको इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करवाएगा? मेटल प्रोवाइड करवाएगा. और हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते, इलेक्ट्रॉन को लूज करते, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, और वो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसको मिलेगा? H पॉजिटिव को, और वो H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. क्योंकि यहां पर ऐसा तो है नहीं कि एक ही H पॉजिटिव है, बहुत सारे हैं,
एच पॉजिटिव दोनों मिलकर के एच टू बना लेते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। ठीक, तो मेन यहां पर यह है कि अगर एक्टिव मेटल कोई ऐसा यहां पर हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है एच पॉजिटिव को, ताकि जो एच पॉजिटिव है वो एच टू में कन्वर्ट हो पाए। अब यहां पर एक नॉन मेटल का केस लेके रखो, क्या यहां पर नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर पाएगा? देखो यहां पर नॉन मेटल का केस लेके देखो, नॉन मेटल्स इसके अपोजिट कैरेक्टर को शो करते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अरे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे ना, क्या नॉन मेटल एच टू बना पाएगा? क्या नॉन मेटल एच टू बनाएगा या नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा ना, नॉन मेटल एच टू नहीं बनाएगा। नॉन मेटल हाइड्रोजन को एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा। मतलब ये नॉन मेटल के साथ एसिड ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सही है ना? अब एक्टिव मेटल प्लस एसिड हमने बनाया, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एच पॉजिटिव को इसने इलेक्ट्रॉन दिया और ये एच टू गैस में कन्वर्ट हो गया। नॉर्मल केस ये बनता है। इसमें दो चार रिएक्शन अगर हम करें, ठीक है, ये क्लियर है। अगर इसमें एक रिएक्शन हम लिखें कि अपने पास भाई कुछ रिएक्शन आ रही है, लाइक अपने पास Zn आ रहा है, Zn प्लस अपने पास H2SO4 आ रहा है, तो Zn प्लस H2SO4, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये एक्टिव मेटल है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और ये ZnSO4 बनाएगा, प्लस ये H2 गैस को बना देगा, प्लस ये H2 गैस को बना देगा, H2SO4 बनाएगा प्लस H2 गैस को बनाएगा, Zn प्लस H2SO4, क्या ये सही है? ठीक, अगर हम ये देखें कि कॉपर प्लस H2SO4, ये बताइए क्या लगता है, कॉपर प्लस H2SO4, क्या कॉपर एक एक्टिव मेटल है? क्या कॉपर एक एक्टिव मेटल नहीं है? नॉट फेजिबल। तो ये रिएक्शन क्या है? नॉट फेजिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि एक्टिव मेटल नहीं है, Zn एक एक्टिव मेटल है। तो आपको कंसेप्ट पीछे का समझ में आया कि जो एलिमेंट इस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे पाए वो इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी तो H2 में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। ये बताओ क्या ये क्लियर है? H2 गैस का टेस्ट भी अपने को पता है, H2 गैस का टेस्ट भी अपने को पता है ना, H2 गैस का टेस्ट भी अपने को पता है कि उसको हम क्या करते हैं, सोप सॉल्यूशन से पास करते हैं, उसमें बबल्स बनते हैं और उसको लेके कैंडल बर्निंग कैंडल लेके वो ब्रस्ट हो जाते हैं। क्यों? अगला इसमें अगर हम देखें स्पेशल केस ऑफ HNO3, सही है, HNO3 का भाई है ही स्पेशल। HNO3 में जो स्पेशल केस है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि HNO3 के साथ अपने को यह पता है कि ओनली Mg एंड Mn रिएक्ट विद HNO3 टू गिव H2 गैस। ठीक, केवल Mn और Mg है यही रिएक्शन करते हैं HNO3 के साथ H2 गैस लिबरेट करने में। पहला तो ये है, इसका भी रीजन हम देखेंगे कि सिर्फ HNO3 ही क्या करेगा, Mg और Mn ही HNO3 के साथ रिएक्शन करके H2 गैस दे रहा है, बाकी किसी के साथ भी H2 गैस नहीं कर, अदर देन Mg एंड Mn इट फॉर्म H2O।
ठीक, पहला तो ये क्वेश्चन बनता है कि HNO3 के साथ कौन कौन से एलिमेंट H2 गैस को देते हैं। तो Mg एंड Mn ये H2 गैस को लिबरेट करते हैं, और बाकी जो अदर देन Mg एंड Mn वो सारे H2O बनाएंगे, वाटर बना देंगे। ऐसा इसलिए होता है, इसका रीजन अगर हम यहाँ पे देखें ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जो रीजन है कि HNO3 क्या होता है, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, ये चीजों को ऑक्सीडाइज कर लेगा। जो H2 लास्ट में बन रहा था, जो H2 लास्ट में बन रहा था उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देता, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो H2 में ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उसको H2O में चेंज कर देता है। तो HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट चेंजेस H2 इनटू H2O, H2 को H2O में ये चेंज कर देगा। क्लियर हुआ कि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन चेंज H2 इनटू H2O। ठीक है, अब Mg और Mn के साथ ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, Mg और Mn के साथ ये H2 ही क्यों दे रहा है, क्योंकि Mg Mn इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वाटर बनता है दोबारा से उसको H2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रीजन आप लिखोगे बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका आप रीजन लिखोगे सेकंड का कि बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन कन्वर्ट H2 इनटू H2। रिएक्शन देखो, Mg प्लस HNO3, बताओ क्या बन जाएगा, सही है ना। अरे यार ये कौन है यार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन करते हैं, कौन है मतलब, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब क्या है कि वो उस काम को करता होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन को करता होगा, कैसे करता होगा, उसका खुद का रिडक्शन होता है, तभी तो हम एजेंट वर्ड को यूज कर रहे हैं। एजेंट क्या करता है, प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाते हो, आपको प्रॉपर्टी खरीद के दिलवाता है, तो एजेंट क्या करेगा, उस काम को करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन को करेगा, किसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, H2 का, H2O के अंदर खुद का उसका रिडक्शन होगा। यहां पर नॉर्मल केस है Mg प्लस HNO3, ये बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, Mg NO3 होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस H2 गैस को ये बाहर निकाल दे। इसमें कोई स्पेशल केस नहीं है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा ना, MgNO3 होल ट्वाइस, सही है ना। Mg और Mn का क्या रीजन लिखना है, बिकॉज Mg एंड Mn आर मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है ना, इट कैन रिड्यूस वाटर इनटू H2 गैस, तो इसलिए H2 गैस आपको मिल गया। Mg Mn के केस में भी सेम ही रहेगा, उसको भी अपने को लिखने कोई खास जरूरत है नहीं। कॉपर के केस में देखो, कॉपर प्लस HNO3 या कोई भी अदर मेटल है, Zn है सपोज, तो Zn के साथ तो हम सोच रहे हैं कि यार अगर हम नॉर्मल केस लगाएं तो Zn एक एक्टिव मेटल है और HNO3 एसिड भी, ठीक है, तो ये इसको लिबरेट करके यहां पर H2 गैस को रिलीज जरूर करे। सॉल्ट बनेगा नहीं बनेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, H2 गैस, सॉल्ट तो बनेगा ही, यहां पर मैं लिख दूं प्लस सॉल्ट तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉल्ट तो बन ही रहा है, मेन चीज है H2 गैस। H2 गैस हमें लगेगा H2 गैस यहां पे बनेगी, बट पहले तो क्या बना, सॉल्ट बना जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस, अब हमें लगा कि यार यहां पे H2 गैस बनेगी, बट जो H2 बनी बिकॉज HNO3 क्या था, एक ऑक्सीडेंट था, लिख सकता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट,
और उसने क्या किया, और ये क्या था, रिडक्टेंट था। तो ऑक्सीडेंट ने क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने H2O में कन्वर्ट कर दिया, प्लस खुद ये किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे यहां पर जरा आप ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में मैं आपको बात समझाता हूं। Zn देखो, Zn को आप देखो, क्या ऑक्सीडेशन से आप ये बता सकते हो, Zn NO3 होल्ड है यहां पे, क्या ऑक्सीडेशन से आप ये बता सकते हो आसानी से, क्या ऑक्सीडेशन से अपने को ये चीजें क्लियर होती हैं, बताओ। Zn का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। यहां पर Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, NO3 का -1 का चार्ज, ठीक है, और कितना NO3 है, 2, तो जिंक के ऊपर +2। क्या जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब क्या जिंक एक रिडक्टेंट की तरह काम कर रहा है, क्लियर है, क्या जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या जिंक एक रिडक्टेंट की तरह काम कर रहा है, और HNO3 के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 1 + x - 6, 1 + x - 6 = 0 + 5, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, +5। यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक ऑक्सीजन पे -2, दो ऑक्सीजन है -4, तो x - 4 = 0, x = +4, क्या ये +5 से +4 में जाकर के रिड्यूस हो गया, मतलब ये ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो अपने को ये चीज समझ में आती है कि यार Mg और Mn को छोड़ करके जितने भी मेटल है HNO3 उनके साथ H2 कभी नहीं बनाएगा, डायरेक्टली वाटर बना देगा प्लस नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बनाएगा, और इस तरीके से ये पूछा जा सकता है आपसे। अपने को ये भी पता है कि मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो यहां पर वो भी सही आ रहा है कि मेटल्स आर रिडक्टेंट मींस रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये केस क्लियर हुआ, मुझे इतना बताते हैं। HNO3 का स्पेशल केस है, क्वेश्चन आता ही आता है इस पर। क्या अपने को यहां थोड़ी क्लियरिटी आई, इतना आप पढ़ लो, इतना दिमाग में रखो, मेटल बदल देगा, कोई भी रिएक्शन दे सकता है मेटल, यहां पर Mg, Mn, कॉपर, Zn, Mg कुछ भी इसमें दे सकता है, एल्यूमिनियम, बस आपको ये 2-3 लाइनें याद रखनी है। सही है, क्या अपने को यहां पे थोड़ी क्लियरिटी आई, हाँ पहले चैप्टर में बताया हुआ। अब एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी फर्स्ट चैप्टर में, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, क्लियर, डन। तो एक कहानी आपको सुनाई थी पहले चैप्टर में, जिसमें आपको बताया था कि किस तरह से दो लोगों ने गांव में जाके सोना पिघलाया था, ठीक है, बताई थी कहानी, याद है सबको, किस तरह से दो लोगों ने, अब वो देख लेना आपने दो कौन कौन से थे वो, बट उन दोनों ने जाकर के सोना पिघलाया था गांव में, ठीक है, याद आ गया, ठीक, उसी को देख लेते हैं एक बार और, उसी को हम देख लेते हैं। तो उनके पास एक जादुई सब्सटेंस था, दैट इज एक्वारेजिया, ठीक है, इसको कहते हैं रॉयल वाटर, क्योंकि यहां पर HNO3 का केस आता है, तो एक बार वो रिएक्शन भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, प्लस मेटल की भी उसके साथ रिएक्शन हो ही रही है, तो यहाँ पे वो सही आ जाएगा। एक्वारेजिया और रॉयल वाटर इसको कहते हैं, ये येलो कलर का ही फ्यूमिंग लिक्विड होता है, ठीक है भाई, याद आया। तो एक्वारेजिया था, क्वेश्चन बनता है इस पे, रॉयल वाटर था, और फिलहाल इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी कि एक बोतल के अंदर ये भरा हुआ था, और ये मुझे कैसा दिखाई दे रहा था, येलो कलर का ये था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें से फ्यूम्स निकल रही है, येलो कलर का था, फ्यूमिंग लिक्विड था, सही है भाई।
मैंने बताया था येलो कलर का था, फ्यूमिंग लिक्विड था, इसके अंदर से फ्यूम्स कुछ बाहर निकल रही थी। और इसमें एक्सेक्ट कॉम्पोजिशन क्या था, तो कॉम्पोजिशन इज HNO3 HCl, HCl3 था, HNO3 1 था, मतलब HNO3 कम था, HCl ज्यादा था, ये इसका रेशियो बना था। इसकी वजह से येलो कलर का फ्यूमिंग लिक्विड आ रहा था। और ये करता क्या है, ये करता क्या है, ये डिसॉल्व करता है रंग बिरंगा, सारे कलर का मैं यूज कर रहा हूं भाई, ठीक है, फिर मेरे को ये मत कहना कि कलर अवेलेबल थे और आपने यूज नहीं किया। यहां पर ये डिसॉल्व करेगा गोल्ड को एंड प्लेटिनियम को, गोल्ड को भी मैं AU लिख देता हूं। तो गोल्ड प्लेटिनियम को ये डिसॉल्व कर रहा था, और वो कौन से मेटल्स थी, वो नोबल मेटल्स, मतलब उनके साथ कोई ज्यादा कोई छेड़खानी नहीं करता है, क्योंकि नोबल मेटल से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, बट गोल्ड प्लेटिनियम किसके साथ रिएक्शन कर रही थी, इस प्रॉपर मिक्सचर के साथ वो रिएक्शन कर रही थी, HNO3 एंड HCl, डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम नोबल मेटल। सिल्वर को ये डिसॉल्व नहीं करता है, तो ध्यान रखा जाए कि सिल्वर को डिसॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये भी मैंने बताया था कि जब हम इनको मिलाते हैं, HNO3 को हमने मिलाया और प्लस 3 HCl को हमने मिलाया, प्रॉपर इसी रेशियो में जब हम मिलाते हैं तो अपने को वाटर मिलता है, प्लस अपने को NOCl मिलता है, प्लस अपने को NO2 मिलता है। ये जो NOCl था, ये था नाइट्रोसिल क्लोराइड, NO2 को हटा दिया जाए, नेसेंट क्लोरीन, इसको कहते हैं नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट का मतलब होता है न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न को नेसेंट कहते हैं, तो ये नई नई अभी पैदा हुई है, नेसेंट क्लोरीन है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, नॉर्मल क्लोरीन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो यही मेन रीजन है कि ये किसको डिसॉल्व करती है, गोल्ड प्लेटिनियम को। तो नेसेंट क्लोरीन है, NOCl है, नाइट्रोसिल क्लोराइड है, वाटर बन गया, ये सारी चीजें हो गई, इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से है ये 2 1 3, ठीक। तो ये इस तरीके से, ये रिएक्शन भी आपने ध्यान रखनी है, ये अच्छे एग्जाम में पूछी जाती है, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड नेसेंट ऑक्सीजन इज द रीजन कि वो गोल्ड प्लेटिनियम को डिसॉल्व करता। मैं वो डिसॉल्व करके आपको नहीं बताऊंगा कि भाई AgCl गोल्ड, गोल्ड का कंपाउंड बन रहा है, प्लेटिनियम का कंपाउंड बन रहा है, AuCl6 बन रहा है, PtCl6 बन रहा है, वो अपने को दिखाना नहीं, नहीं NO2 नहीं आता, H2O, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड एंड नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन ही वो रीजन है जिसकी वजह से ये डिसॉल्व होता है। फिर आपने कहा कि गोल्ड था अपने पास, ठीक है, गोल्ड उन्होंने दिया, अब वहां पर क्या हुआ कि जब उन्होंने गोल्ड दिया, तो गोल्ड जब उन्होंने दिया तो फिर बोतल में से उन्होंने क्या निकाल लिया भाई, बताया था ना, ये अपना जादुई सब्सटेंस उन्होंने निकाला। एक्चुअल में अगर आप उसको केमिस्ट्री की नजरिए से देखोगे तो जादुई सब्सटेंस के अंदर क्या है, मेन चीज नेसेंट क्लोरीन, ठीक। तो वो नेसेंट क्लोरीन के साथ आपको रिएक्शन दे, रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। जिसने वो गोल्ड दिया है उसको तो रिएक्शन होती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि उसने तो केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, बट आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको वो रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। आपको रिएक्शन होती हुई क्या दिखाई देगी कि AuCl3 यहाँ पे बन रहा था, जिसको हम कह रहे थे कि ये गोल्ड थर्ड क्लोराइड बन रहा था, ठीक है। और जैसे ये बना तो जो गोल्ड था वो डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो गोल्ड क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, AuCl3 गोल्ड थर्ड का
क्लोराइड बन गया, सेम तरीके से प्लेटिनियम भी डिजोल्व हो जाता है। खैर प्लेटिनियम होता नहीं है किसी के पास, बिकॉज वो गोल्ड से भी बहुत महंगा है, तो गोल्ड ही हम डिजोल्व करके काम चला लेते हैं, है ना। तो गोल्ड थर्ड क्लोराइड AuCl3, और उसके बाद इसको निकाल, उसको आप देख लेना नेट में से कि भाई इसको कैसे निकाला हुआ है, किसी को अगर ये करियर अपॉर्चुनिटी लगती है तो वो ट्राई कर सकता है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि इतना थोड़ा इसमें, इस काम में थोड़ा रिस्क भी है, बट अगर अगर आप रिस्क लेना चाहो, ठीक है। लास्ट में आप नेट में से ये देख लेना कि ये जो AuCl3 है इसके अंदर से गोल्ड कैसे इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है, एक्वस होता है, यस, क्योंकि उसी में डिजोल्व रहेगा ना। चलो अब आपने कहा कि आपकी नॉलेज थोड़ी कम थी, अब आप पूरी पढ़ाई करके गए नहीं थे तो आपकी नॉलेज थोड़ी कम थी, अब उन्होंने कहा भाई अपने पास गोल्ड तो है नहीं ना, तो प्लेटिनियम है, सिल्वर है, आपने कहा चलो सिल्वर ही दे दो, कुछ नहीं तो सिल्वर ही सही, ठीक है। सिल्वर आपने सोचा कि यार सिल्वर तो कम से कम डिजोल्व हो, हुआ क्या कि आपकी नॉलेज निकली थोड़ी सी कम, सिल्वर प्लस क्लोरीन बन गया क्या, सिल्वर क्लोराइड का PPT, अब वो बन गया प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो वो डिसॉल्व हुआ नहीं, वो बन गया प्रेसिपिटेट, तो वो भी प्रॉब्लम आ गई। तो इसलिए भाई यहाँ पर सिल्वर को हम सेपरेट नहीं कर पाते क्योंकि उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाता है। सही है क्या, एक्वा रेजिया का केस समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, बता दो भाई। ऑरिक क्लोराइड, यस, क्या आगे बढ़ा जाए कि नहीं, बेटा कैसे करते हैं वो तुम देखो, हर्षवर्धन वो तुम देखो कैसे सेपरेट करना है, ठीक है। अब वो AuCl3 के अंदर से Au कैसे सेपरेट करना है तो भाई देख लेना, किसी को अगर सेपरेट करना हो तो, ठीक है भाई दक्ष, क्लियर है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट हम गए रिएक्शन में, फोर्थ वन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, कोई दूसरा मेटल था उसका कोई सॉल्यूशन बना हुआ था उसके साथ किसी मेटल की रिएक्शन होनी, ठीक है, उसके साथ किसी दूसरे मेटल की रिएक्शन होनी है। इसको हम देख लेते हैं, जो रिएक्शन एनसीईआरटी में यहाँ पे दी हुई है, जो मेन रिएक्शन है वो आयरन की है, आयरन की रिएक्शन दी हुई है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आयरन की रिएक्शन की CuSO4 के साथ। अब यार वो डायग्राम आपको बुक में दिख जाएगा, जो CuSO4 जो आयरन है वो यहाँ पे आयरन नेल्स हैं, मतलब आयरन की कीले हैं, आयरन नेल्स हैं, और CuSO4 का ब्लू कलर है। अब आप कहोगे इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन तो दिखाई नहीं दे रहा है, अगर मैंने एक्वस लिख दिया तो AQ आयरन है सॉलिड, क्लियर। तो AQ मतलब एक्वस है, CuSO4 एक्वस में ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद बना FeSO4, FeSO4 भी एक्वस बना प्लस Cu अलग हो गया, तो FeSO4 बना ग्रीन कलर का, ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रोल बन गया और प्लस Cu। अब आप देखोगे कि ब्लू कलर से ये ग्रीन कलर में सब्सटेंस चेंज हो गया है, ये मुझे किस टाइप की रिएक्शन दिखाई दे रही है, ये मुझे दिखाई दे रही है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल है या सिंगल है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट,
सिंगल या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप सिंगल कहो या फिर डिस्प्लेसमेंट कहो। तो Fe मोर रिएक्टिव था, Fe ने क्या किया, तो यहां पर सिंपल से एक प्रोसीजर हुआ कि मेटल A था प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B था, ठीक है भाई, मेटल A था प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B था। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मेटल A है भाई वो एक्टिव है, वो बताने की जरूरत नहीं है कि एक्टिव है तो वो क्या करेगा, ठीक, वो या तो यहां पर ये लिख लो आप कि मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है किससे, बी से, ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, तो ये रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, और बी बेचारा कहां चला जाएगा, बाहर, ठीक है भाई, यही तो हो रहा है। अपने को चेक क्या करना होता है डिस्प्लेसमेंट में, क्या चेक करना होता है कि क्या मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं, सिंपल। अगर अपने ने ये चेक कर लिया तो ये चीजें अपने को क्लियर हो जाएंगी। आयरन नेल्स में COSO4 का सॉल्यूशन आप पे उसके अंदर रखा हुआ था, ब्लू कलर का था, सब कुछ ठीक हुआ, कुछ देर बाद रिएक्शन हुई, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, FeSO4 बना जो कि ग्रीन कलर का हो गया, कॉपर बाहर आ गया। अब आयरन नेल्स के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग भी हो जाती है इस रिएक्शन के अंदर, इसमें कुछ नहीं करना, एक्टिविटी सीरीज को याद रखना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इस सॉल्ट सॉल्यूशन। फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, एक क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए, Cu प्लस ZnSO4, ये क्वेश्चन अपना बना लेना, एक्टिविटी सीरीज को आपने लर्न करना है। Cu प्लस ZnSO4, Zn प्लस MgSO4, अगर ये रिएक्शन, अगर मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस कर रहेगा, कंडीशन क्या है, इफ मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन बी दैट इट डिस्प्लेसेस द मेटल बी फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या इतना क्लियर हुआ? क्या अपने को इतनी क्लियरिटी आई है कि नहीं आई? यार रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, रिस्पॉन्स आना चाहिए। बोथ आर नॉट फेसिबल, यस। दूसरा कोई कह रहा है कि भाई फर्स्ट इज फेसिबल बट नॉट सेकंड, फर्स्ट नॉट फेसिबल बट सेकंड इज फेसिबल। एक्टिविटी सीरीज में देखो, क्या Zn Mg को डिस्प्लेस कर सकता है, क्या Zn Mg को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, मतलब बोथ रिएक्शंस आर नॉट फेसिबल, क्योंकि Zn Mg को डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा और कॉपर Zn को कर नहीं पाएगा। बुकलेट में जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, एक ही तरीका है, कंसेप्ट थोड़ा सा है, मेन मुद्दा है एक्टिविटी सीरीज का। अगर आपको एक्टिविटी सीरीज याद है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं याद है तो बैठे रहोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 50-60 रिएक्शन नहीं लिखवा सकता हूँ, मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा, एक्टिविटी सीरीज लिखवाऊंगा, आप उसको याद रखो, बाकी जितने क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते हैं खुद ब खुद बन जाएंगे। नेक्स्ट, मेटल की कहानी खत्म हुई। नॉन मेटल अक्सर बुक्स में नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में नॉन मेटल भी कुछ खास रिएक्शन नहीं है, बट देखते हैं कंपटीशन के लिए, केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल। हाँ चलो भाई, इसके अंदर
वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। दो चार चीजें मैं क्लियर कर दूं नॉन मेटल्स के बारे में कि नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म शॉर्ट में लिखते हैं गेन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन गेन करके दे फॉर्म इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन या जिनको हम एनायन भी कहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं भाई तो गेन करना मतलब रिडक्शन होना और रिडक्शन होना मतलब दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन और एनायन एंड दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट। क्लियर है? इतने में किसी को दिक्कत? ठीक है, कुल मिलाकर 22 नॉन मेटल्स हैं, 11 गैसेस हैं, एक लिक्विड है ब्रोमीन और 10 सॉलिड है। ठीक, लिक्विड कौन सा है? ब्रोमीन है, वो याद रखना है कि लिक्विड एक ब्रोमीन है और बाकी 10 सॉलिड हैं और 11 गैसेस हैं, 22 टोटल नॉन मेटल होती है। गेन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, क्या ये चीज क्लियर है? हाँ भाई ये चीज क्लियर है ना? ठीक, पहला इसमें देखते हैं रिएक्शन ऑफ, अरे यार कब तक ये पूरा पूरा लिखते रहेंगे, सीधा लिखो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। ठीक, मेटल प्लस ऑक्सीजन ऑक्साइड बन रहा था, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन भी ऑक्साइड बनाएगा। जब ये ऑक्साइड बनाएगा तो हमने पढ़ा था कि मेटल प्लस ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, दो तरह के ऑक्साइड बना रहा था, एक तो बेसिक ऑक्साइड था, एक एम्फोटेरिक था, बहुत कम ही एम्फोटेरिक थे, मैक्सिमम बेसिक थे। यहां पर जो इसके ऑक्साइड बनेंगे वो ऑक्साइड इसके होंगे, यहां पर जो इसके ऑक्साइड बन रहे हैं वो ऑक्साइड होंगे एक तो एसिडिक और एक ऑक्साइड होंगे न्यूट्रल। एसिडिक बहुत सारे हैं तो हम न्यूट्रल याद कर लेते हैं। न्यूट्रल कौन कौन से हैं? NO, N2O, CO, H2O, ये न्यूट्रल ऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। बाकी मैक्सिमम आपको एसिडिक मिलेंगे। एसिडिक में अगर जनरल में आपको एग्जांपल बताऊं, CO2 जैसे एसिडिक होता है, SO2, SO3, NO2 ये एसिडिक होते हैं। अब ऑब्वियसली ये एसिडिक क्यों हो रहे होंगे? क्योंकि अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करें, जैसे मैं CO2 को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये H2CO3 मतलब ये कोई एसिड बनाए, एसिडिक सॉल्यूशन हो ना, तभी तो। जैसे मैं SO2 या SO3 को मैं डिसॉल्व करता हूं, मैं SO3 को डिसॉल्व करता हूं वाटर में, तो ये मुझे पता है कि मुझे मिलने वाला क्या है, एक एसिड है H2SO4। ठीक है, जो एसिडिक एक सब्सटेंस है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं
कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के, कुछ एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल जरूर याद रखें, एनओ N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है लाफिंग गैस, एनओ होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, ये बताओ क्या ये क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने यहां पे पढ़ी थी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर बनता है, याद आ रहा है? नाइट्रिक एसिड सिलेबस में एक ही एंडोथर्मिक मोस्टली लिखी हुई है कि एनओ का फॉर्मेशन होता है, N2 प्लस O2 से एनओ बनता है जो कि एंडोथर्मिक होती है, सही है? क्या ये चीज क्लियर है? जल्दी बताओ, नॉन मेटल वाला खत्म करेंगे, अगले लेक्चर से मेटलर्जी पकड़ेंगे, फिर दो रिएक्शन रहती हैं, जल्दी बताओ, सही है भाई? ठीक है, दो रिएक्शन रहती है, ध्यान से देख लो, आज ये खत्म हो जाएगा। दूसरा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल प्लस एसिड, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि एसिड का मतलब है एच पॉजिटिव, और नॉन मेटल भाई इलेक्ट्रॉन को देता नहीं, इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इस एच पॉजिटिव को कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा, तो ये एच पॉजिटिव कभी भी एच टू में नहीं बन पाएगा, तो इसलिए ये नॉट फेजिबल रिएक्शन होगी। क्या वॉटर के केस में भी सेम ही चीज होगी कि मेरे पास नॉन मेटल था प्लस वॉटर था, अब वाटर में भी H पॉजिटिव है तो वो भी जो है इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा, नॉट फेजिबल, इसलिए इन दोनों के साथ रिएक्शंस नहीं होती है नॉन मेटल की। फिर आता है नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन, तो नॉन मेटेलिक हाइड्राइड ये बनाता है, ठीक है, ये क्या बनाएगा? नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बनाएगा भाई, और हाइड्राइड का नेचर यहां पर होगा कोवेलेंट। एक रिएक्शन याद आ रही है, N2 प्लस H2 रिवर्सिबल हो रही थी, रिवर्सिबल हो रही थी, आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे थे, MO एज अ कैटलिस्ट एक्टिवेटर, 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, 300 ATM का प्रेशर था, 2-ammonia NH3 बना था जो कि कोवेलेंट नेचर का था, नॉन मेटल का हाइड्राइड है ना, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का हाइड्राइड है, और इस प्रोसेस में कुछ हीट भी रिलीज हो रही थी, एक्सोथर्मिक हमने लिखा था, और प्लस इसको हमने बताया था कि ये कौन सी प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस, कुछ याद आया? तो क्या हम इस रिएक्शन को यहां पर डाल सकते हैं, क्योंकि ये नॉन मेटल का हाइड्राइड फॉर्मेशन हो रहा है तो अमोनिया बन रहा है, बताओ, कोवेलेंट नेचर का नॉन मेटल हाइड्राइड ये बनाता है, MO एज अ कैटलिस्ट एक्टिवेटर, Fe एज अ कैटलिस्ट, एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल, 500, और ये इतना अपने को पता लग रहा है, क्या भाई ये क्लियर है? अगर ये आएगा तो आप इसको अच्छे से कर लोगे ना, क्या ये क्लियर है? N2 प्लस H2 इतनी ही रिएक्शन पढ़नी है जितना मैं लिखवा रहा हूं, ये ध्यान रखना, इधर उधर का रिएक्शन मत उठा लेना, कभी भी किसी बुक से कहीं से कुछ भी रिएक्शन उठा ली, बस इतना आप पढ़ लो, इतने में पूरी बुक लेट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर है? लास्ट देखो इसके अंदर, या यहीं पे इसको कर लिया जाए, यहीं पे कर लिया जाए, बताओ, ये लो, ठीक,
अगला है ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नॉन मेटल्स, मतलब नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती हैं, बस वो अपने को एक दो रिएक्शन मेरे पास है। Zn प्लस एस, ZnS, ठीक। रिएक्शन अगर मैं देखता हूं, एनालाइज करता हूं, तो Zn की ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, सल्फर पे जीरो है, Zn पे यहाँ पर प्लस टू है, सल्फर पे माइनस टू है। Zn यहां से यहां गया तो क्या हुआ भाई, इसका इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और सल्फर यहां से यहां गया तो इसका हुआ रिडक्शन, और भाई जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और सॉरी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यहाँ पर सल्फर आपके पास नॉन मेटल है तो सल्फर का रिडक्शन हो रहा है और वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। तो Zn को मैं लिख सकता हूं रिडक्टेंट, और सल्फर को लिख सकता हूं ऑक्सीडेंट। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अरे यार क्या लिखूं, फ्लोरीन ये नॉन मेटल है ना, ऑक्सीडेंट। ये बताओ, हाँ भाई अब ये चीज कंप्लीट हो चुकी है। फ्लोरीन, क्योंकि अपने को पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन का नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो नॉन मेटल में आप देख रहे हो कि कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है, जो भी है मैंने आपको बता दिए, फर्स्ट नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन था, सेकेंड ये था, ठीक है रिएक्शन। तो मेटल और नॉन मेटल की जो कहानी थी वो खत्म हो चुकी है, मेटल नॉन मेटल की कहानी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी के साथ।